फिर से एक बार आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड आर्टिकल के बारे में। जैसा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड में वीडियो दे रहा हूँ, आई प्रॉमिस टू कंप्लीट 395 आर्टिकल्स इन 395 डेज, तो वही प्रोसेस चल रहा है। आज थर्ड आर्टिकल का प्रावधान है, आज हम बात करेंगे थर्ड आर्टिकल के बारे में। देखिए थर्ड आर्टिकल क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक, शुरू करते हैं। इन द थर्ड आर्टिकल वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्रीज एरिया एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कहने का आशय इन हिंदी कि हम लोग किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और जो पुराने राज्य पहले से अस्तित्व में है उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। किस प्रकार चेंजिंग? उसकी बाउंड्री में, सीमाओं में चेंजिंग कर सकते हैं, एरिया में चेंजिंग कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और कोई ऐसा राज्य है उसके नाम में अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो वी कैन, मतलब आप कर सकते हैं। इसका प्रावधान आर्टिकल 3 में है। तो ये थर्ड आर्टिकल था। देखिए इसमें क्या है कि कैसे चीज़ें क्या है, मैं इसके अंदर के मतलब कुछ वर्ग में दिए हुए हैं, क्लॉज में दिए हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैसे होगा। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा मतलब कि एक बिल पास होता है, पूरी जो व्यवस्था होती है मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में कि पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी, हस्ताक्षर, ये सब साइन ऑन होता है, तब जाके उसे एक एक्ट के रूप में कार्य करता है। तो हम ये सब पार्लियामेंट के में बाइला, उसमें आपको लिखा होगा, आप लोग आर्टिकल देखते होंगे, पार्लियामेंट में बाइला मीन्स विधि द्वारा, कानून द्वारा ये सब चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या है और आगे बताता हूँ। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन टेक्स प्लेस बाई द सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम द न्यू स्टेट्स। मतलब कि जो नया राज्य आपका बनेगा, हम लोग किसी राज्य के राज क्षेत्र को अलग करके, जैसे कोई राज्य है उसके छोड़ राज क्षेत्र कुछ अलग करके हम एक नया राज्य बना सकते हैं, या वी कैन फॉर्म द न्यू स्टेट बाय द यूनाइटिंग टू स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ स्टेट्स, या कोई दो राज्य है उसको एक साथ मर्ज करके एक न्यू स्टेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, या हम लोग कोई राज्य का पार्ट है उसके पार्ट को मिला के, किसी राज्य का पार्ट है तो उसको हम पार्ट पार्ट को मिला के एक नया राज्य मतलब बना सकते हैं। तो ये हो गया। और ऐसे कर सकते हैं कि कोई दो राज्य हैं, यू कैन यूनाइटिंग एनी टेरिटरी फ्रॉम एनी अदर स्टेट। मतलब कहने क्या है कि जो कोई राज्य है उसके राज क्षेत्र से और कोई एक दूसरा राज्य है उसके राज क्षेत्र से, मतलब दो राज्य हैं उन दोनों को, राज्यों के राज क्षेत्र से दोनों को मिला के, मतलब कि कोई दो राज्य है, अगर कोई दो राज्य है उन दोनों के राज क्षेत्र को मिला के हम लोग एक नया स्टेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार है, या हम लोग वी कैन इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ एन स्टेट, वी कैन डिमिनिश द बाउंड्री ऑफ एन स्टेट, मतलब कि इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या वी कैन चेंज द एरिया ऑफ एन स्टेट, वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन स्टेट, इट इज टेक्स प्लेस बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो इसके लिए बिल पास करना पड़ता है। तो आर्टिकल 3 में यही आपका है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्री एरियाज एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज ये आर्टिकल 3 रहा आपका। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, एंड यू कैन डू इन योर खाली टाइम व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन।